hello friends my name is ankur and welcome back to my channel friends today we are going to start our english speaking part 75 in which we are going to discuss about asvikruti means refusal type sentences in our english language so friends let's start our english speaking part 75 english speaking part 75 asvikruti means in english refusal so friends basically asvikruti or refusal means that we directly refuse something to do means if we are not interested in doing something so we clearly refuse to do that thing so this is known as refusal refusal means clearly mm. refusing to do anything either going for outing with friends or trying to do work for another person or trying to do anything we clearly refuse if we, it if the work is not of our interest so, as usual, I will read the sentences in Hindi and side by side, translate you in English so that it will become easier for you to understand about refusal type sentences. So, in English, it means I won't be able to come. So, friends, the sentence basically saying that the person is clearly refusing that means I won't be able to come. So, he is clearly refusing that he won't be able to come to that place. So, he is clearly saying. मैं नहीं आ सकूंगा मीन्स आई वॉन्ट बी एबल टू कम सो ही इज क्लियरली रिफ्यूजिंग टू गो सम प्लेस टू गो एट सम प्लेस सो इट इज़ ए रिफ्यूजल टाइप सेंटेंस मैं आना नहीं चाहता सो इन इंग्लिश इट मीन्स आई डोंट वॉन्ट टू कम द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज नॉट विलिंग टू गो टू अनदर प्लेस मीन्स ही इज सेंग मैं आना नहीं चाहता मीन्स ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू गो देयर सो इज क्लियरली सेंग आई डोंट वॉन्ट टू कम सो फ्रेंड्स ही इज क्लियरली रिफ्यूजिंग टू

ही इज वेरी मच सॉरी टू से रिफ्यूजल टू एनी थिंग बट हाफ माइंड हाफ माइंडेड ही इज सेंग हाफ आल्टेडली ही इज सेंग डेट आई एम सॉरी आई वी एबल टू कम सो मुझे अफसोस है लेकिन मुझे इंकार करना पड़ रहा है सो आई एम सॉरी टू रिफ्यूज सो फ्रेंड्स बेसिकली ही इज सॉरी टू रिफ्यूज समथिंग बट ही इज सॉरी सो दिस इज ए रिफ्यूजल टाइप सेंटेंस वे इससे सहमत नहीं होंगे सो इन इंग्लिश इट मीन्स दे वोंट एग्री टू दिस द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द वे इसे सहमत नहीं होंगे मीन्स दे आर सेंग दैट सम अदर पर्सन्स वोंट बी एग्री टू दिस मीन्स देर इज समथिंग गोइंग ऑन बट दे आर नॉट एग्री एग्रींग टू दैट थिंग सो इन इंग्लिश इट मीन्स वे इसे सहमत नहीं होंगे मीन्स दे वॉन्ट एग्री टू दिस सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल्सो क्लियरली रिफ्यूजल टाइप सेंटेंस बिकॉज द अदर पर्सन इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट थिंग यह संभव नहीं है सो इन इंग्लिश इट मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल इम्पॉसिबल द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज सेंग कि यह पॉसिबल नहीं है मीन्स यह संभव नहीं है मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल इम्पॉसिबल मीन्स देर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच कांट बी हैपन विच कांट बी इमेजिन दैट इट कैन हैपन इजीली सो दे आर सेंग यह संभव नहीं है मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल इट्स इम्पॉसिबल सो दे आर क्लियरली रिफ्यूजिंग दैट इट कांट हैपन इट इज अ रिफ्यूजल टाइप सेंटेंस अफसोस है मैं ये प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकता सो इन इंग्लिश इट मीन्स आई रिग्रेट आई कांट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज सेंग अफसोस है कि मैं ये प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकता मीन्स ही इज वेरी मच सैड दैट ही कॉन्ट एक्सेप्ट द प्रपोजल बिकॉज ही वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट बट ड्यू टू सम हिज हार्ड और अकॉर्डिंग टू हिस्स माइंड विशिंग्स ही डजन वॉन्ट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल सो अफसोस है मैं ये प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकता मीन्स इन इंग्लिश आई रिग्रेट आई कॉन्ट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल सो फ्रेंड्स बेसिकली दिस इज ऑल्सो ए रिफ्यूजल टाइप सेंटेंस बिकॉज होल हाफ हार्टेडली द पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द प्रपोजल सो इट इज ए रिफ्यूजल टाइप सेंटेंस आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं ना सो इन इंग्लिश इट मीन्स यू डोंट एग्री विद मी डू यू सो फ्रेंड्स दिस सेंटेंस इज बेसिकली ए इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस बिकॉज द पर्सन इज बेसिकली आस्किंग अनदर पर्सन कि आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं ना मीन्स ही इज कन्फर्मिंग वेदर ही इज एगरिंग टू हिज स्टेटमेंट और नॉट सो इट इज एन इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस एंड इट इज ए नेगेटिव टाइप सेंटेंस टू यू डोंट एग्री विद मी डू यू सो बेसिकली इज आस्किंग वेदर आर यू एग्रिंग विद मी और ऑन नॉट सो इट इज बेसिकली नेगेटिव टाइप सेंटेंस ऑल्सो एंड इट इज ए रिफ्यूजल टाइप सेंटेंस ऑल्सो आप मेरे विचार से सहमत नहीं है ना यू डोंट एग्री विद मी डू यू सो बेसिकली इट इज एन इंटेरोगेटिव एंड रिफ्यूजल टाइप सेंटेंस इसका प्रबंध नहीं हो सकता है सो इन इंग्लिश इट मीन्स इट कांट बी अरेंज्ड द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज सेइंग कि इस चीज का प्रबंध नहीं हो सकता है मीन्स ही इज क्लियरली रिफ्यूजिंग दैट इट कांट बी अरेंजड देर इज समथिंग नीड्स टू बी अरेंजड बट ही इज सेइंग दैट इट कांट बी अरेंजड इमीडिएटली सो ही इज क्लियरली रिफ्यूजिंग टू अरेंज दैट थिंग सो इट मीन्स इसका प्रबंध नहीं हो सकता है सो इन इंग्लिश इट मीन्स इट कांट बी अरेज सो फ्रेंड्स दिस इज क्लियरली ऑल्सो रिफ्यूजल टाइप सेंटेंस उसे यह पसंद नहीं है सो इन इंग्लिश इट मीन्स इज एवर्स टू दिस आइडिया टू इट शी डज नॉट लाइक इट द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट उसे यह पसंद नहीं है मीन्स द पर्सन इज अबाउट द लाइक्स और डिसलाइक्स ऑफ अनदर पर्सन सो ही इज क्लियरली संग उसे यह पसंद नहीं है सो इन इंग्लिश इट मीन्स शी इज एवर्स टू दिस आइडिया टू इट

द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज सेंग टू अनदर पर्सन आप जो चाहते हैं मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा मीन्स अकॉर्डिंग टू यूर विश आई वॉन्ट भी एबल टू डू दैट थिंग सो आई वॉन्ट बी एबल टू डू एज यू विश सो देंटेंस क्लियरली सेंग दैट द पर्सन इज क्लियरली रिफ्यूजिंग टू डू थिंग अकॉर्डिंग टू अनदर पर्सन विश सो आप जो चाहते हैं मैं वह नहीं कर सकूँगा सो इन इंग्लिश इट मीन्स आई वॉन्ट बी एबल टू डू एज यू विश सो द पर्सन इज क्लियरली रिफ्यूजिंग टू डू work according to another person's wish so it is clearly a refusal type sentence so friends this was the english speaking part 75 in which i tried to explain you about Aswikrati means refusal type sentences basically i told you that refusal is means that we clearly refuse to do anything means if someone asks to do something and we are not in a mood to do that thing so we clearly refuse to do that thing so refusal means clearly rejecting to do something for others so I wrote down the sentences in Hindi and side by side, I translated you in English so that it becomes easier for you to understand about refusal type sentences. So friends, I hope you would have find it easier to understand refusal type sentences through these examples. So friends, refusal type sentences we normally use in our daily life when we clearly refuse to do anything for others. Means in day to day life, if we are not interested to do anything, we clearly refuse to have our... Family members, friends, relatives, neighbors, etc. So, friends, these sentences play a very important role if we want to become a fluent English speaker. So, friends, kindly practice these sentences in your spare time. Either try to talk with your friends, or try to speak in front of mirror, or try to talk with your relatives, neighbors, parents, etc. So, friends, keep practicing day by day, and ultimately, at some point of time, you will realize that English language is quite simple, easy and efficient to learn read write and speak and ultimately your as the day will pass time will pass you will realize that your confidence has boost up your hesitation has blown down and ultimately your english language has become fluent to speak in front of another person so friends keep practicing these sentences and please do like share subscribe my channel please do press the bell icon in the subscription box and i will also share my instagram and facebook link in the description box below so friends Please keep supporting me so that I may bring you more interesting English speaking topics, which could prove to be an asset for you and which could help in brushing up your fluent English communication in front of another person. So, friends, thanks for your valuable and precious time. Have a nice day.